चलें जी, मैंने पानी पी लिया है, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से लेसन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं, और हम लोग थे पेज नंबर, मैं ज़रा देख लूँ पेज नंबर कौन सा है, 154 पेज नंबर है, और हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ से हमने इसको स्टार्ट करना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। हमने चैप्टर के फर्स्ट हाफ की रीडिंग पिछले लेसन में की थी, और फर्स्ट जो रिमेनिंग हाफ है उसकी अभी हम करने लगे हैं। द मकरान कोस्टल हाईवे, कोस्टल हाईवे यानी कि जो समंदर के साथ साथ, साहिल के साथ साथ जो सड़क होती है उसको हम कोस्टल हाईवे कहते हैं। द मकरान कोस्टल हाईवे इज़ अ सैनिक ड्राइव, सैनिक बहुत खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर वाली सैनिक ड्राइव अलॉन्ग पाकिस्तान्स अरेबियन सी कोस्ट के जो बहिरा अरब है, बुहरा अरब है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसकी जो साहिली पट्टी है उसके साथ ये हाईवे मौजूद है। द रूट स्टार्ट्स इन कराची, कराची से ये रूट स्टार्ट होता है एंड रन्स थ्रू गवादर टू द ईरान बॉर्डर, और गवादर से होता हुआ ये ईरान के बॉर्डर तक जाता है। एंड इज़ कंसीडर्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से यानी कि तामीरात या जो कंस्ट्रक्शन होती है या जो डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है। यूनिक लूनर रॉक फॉर्मेशन, लूनर रॉक लूनर चांद को बोलते हैं ना, ठीक है, चांद की शक्ल की लूनर रॉक फॉर्मेशन लाइन, अ सेक्शन ऑफ द हाईवे नोन एज द बुजी पास इन हिंगोल नेशनल पार्क, ठीक है, कि हिंगोल नेशनल पार्क के करीब जो बुजी पास है, ठीक है, उस वो भी एक क्या है, बड़ी एक यूनिक जगह है। नेचुरल रॉक स्कल्पचर्स के कुदरती तौर पर चट्टानों के जो बने हुए मुजस्मे हैं, लाइक द स्फिनिक्स शेप्ड, स्फिनिक्स क्या होता है, स्फिनिक्स बेसिकली एक ऐसे जानवर को कहा जाता है, एक ऐसा फिक्शियस मतलब जानवर है जिसकी शक्ल जो है वो क्या होती है, आधी इंसान वाली होती है और आधी जानवर की तरह होती है। तो इस तरीके का जो एक बदन होता है, जो आप उसको जानवर कहें या मखलूक कहें, कुछ भी कहें, तो उसको स्फिनेक्स कहा जाता है। इसका किताबों के अंदर और कहानियों के अंदर भी इसका बड़ा जिक्र मिलता है। स्फिनेक्स शेप लाइन ऑफ बलोचिस्तान, लाइन ऑफ बलोचिस्तान नाम का एक पहाड़ है, एक पत्थर है, कैन बी फाउंड अलॉन्ग द हाईवे, इसी हाईवे के ऊपर अगर आप जाए तो आपको ये लाइन ऑफ बलोचिस्तान का पहाड़ भी आपको नजर आता है। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेशनल पार्क एक्सटेंड्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अलॉन्ग द मकरान कोस्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो भी इसी मकरान हाईवे के पास है। वाइल हंगोल नेशनल पार्क इज रिनोन्ड फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, सिंध लैपर्ड्स, चिंकारास, हनी बैजर्स जिनको बिजू कहा जाता है, एंड इंडियन पेंगोलिन्स मोर जो है ना वो इस नेशनल पार्क के अंदर हैं, हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर। इट इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स क्लस्टर ऑफ एक्टिव मड वुल्केनोज, मड वुल्केनोज जो मट्टी के जो आतिशफिशां होते हैं, कि एक तो जो पत्थर का पहाड़ होता है उसमें से आतिशफिशां लावा निकलता है ना, तो जो मड में से, ठीक है, यानी कि जो मड सॉयल होती है उसमें से जो वुल्केनो निकलता है उसका मड वुल्केनो कहते हैं। तो यहाँ पे मड वुल्केनोज बहुत ज़्यादा आते हैं। अ मिक्स ऑफ हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी, गैस एंड वाटर रिएक्ट केमिकली विद द सराउंडिंग रॉक्स टू फॉर्म अ बॉयलिंग मड। अब ये मड वुल्केनो बनता कैसे है, कि जो स्प्रिंग के अंदर जो गैस है, वाटर है, ये जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है, एक आतिशविशांत मादा निकलता है मड में से, और एक बॉयलिंग मड वुल्केनो जो है वो वजूद में आता है। व्हेन द मड इज एक्सपेल्ड, जब वो जो 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 मड है या जो वो गारा है वो जब फैलता है, इट कंटिन्यूसली रीबिल्ड द कॉन्स, तो उससे वो मखरूती शक्ल की चूचे निकलती हैं विच आर इजीली इरोडेड इरोडेड जो मिट जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मड वोल्केनो इज़ चंद्रगुप्त, अ सेक्रेट एनुअल पिलग्रेमेज साइट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज अलॉन्ग विद द नियर बाय हिंगलाज टेम्पल, ठीक है, तो वहाँ पे हिंगलाज टेम्पल भी है इसी मकरान हाईवे के साथ, और चंद्रगुप्त नाम का मड वोल्केनो भी है। इन द साउथ जुनूब में द प्रोविंस ऑफ सिंध ऑल्सो अबाउंड्स, अबाउंड्स के वहाँ पे बेतहाशा तादाद में मौजूद हैं, ऑल्सो अबाउंड्स इन नेचुरल ब्यूटी, के जुनूब में अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आता है, आपको सिंध सूबा सिंध नज़र आता है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बेतहाशा मिकदार में मौजूद है। इट इज़ मोस्ट फेमस एज होम टू द एंशियंट सिटी मोहनजोदाड़ो, द कमर्शियल हब सिटी ऑफ कराची, प्लस इट्स सी पोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेज स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन। तो कराची आपको सिंध में क्या है, मोहनजोदाड़ो जो वादी सिंध की जो पुरानी तहजीब है उसका एक शाहकार मोहनजोदाड़ो आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जो कॉमर्स का हब कराची शहर आपको वहाँ पे है मिलता है सिंध में, इसकी सी पोर्ट्स आपको नजर आती हैं और खूबसूरत बीचेज, ठीक है, जो कई सैकड़ों मीलों तक फैली हुई हैं।
अब ये ब्यूटीफुल तो बिल्कुल है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जितना वहाँ पे आवाम गंद मचाती है ना, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे जो शॉपर्स ले जाते हैं और टेंस ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको फेंकते हैं। अपना मुल्क है तो हमें इसको, वैसे तो किसी दूसरे मुल्क भी जाएँ तो गंद नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क में क्यों गंद फैलाते हो यार, तो ये ना किया करें। थ्रू द सेंचुरीज, सदियों तक वेव्स ऑफ इन्वेडर्स एंड माइग्रेंट्स सेटल डाउन इन द लैंड दैट इज़ नाउ पाकिस्तान। कई सदियों तक लोग जो थे वो इस ज़मीन में बसते रहे, ठीक है, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। इन्फ्लुएंसिंग द लोकल्स, लोकल्स के ऊपर बाहर से हमलावर आते थे, लोकल्स को इन्फ्लुएंस करते थे, एंड स्लोली बीइंग अब्जॉर्ब अमंग देम, और आहिस्ता आहिस्ता लोकल्स के रंग में रंग जाते थे। पाकिस्तान में जो बंदा आता है वो फिर पाकिस्तानी होकर रह जाता है। मॉडर्न पाकिस्तानीज आर अ ब्लेंड ऑफ, अब जो जदीद पाकिस्तानी हैं आप मैं हम सब जो हैं, वी आर ब्लेंड ऑफ हड़प्पन, इंडो एरियन, इंडो इरानियन, साका, पार्थियन, कुशन, वाइट, हुन, अफगान, अरब, तुर्क्स एंड मुगल हेरिटेज। तो ये तमाम के तमाम जो कौमें हैं इनका ब्लेंड हैं हम लोग, कि किसी की नस्ल जाके मुगलों से मिलती है, किसी की अरब से मिलती है, किसी की अफगानों से मिलती है, किसी की हुन वाइट हुन से जाके मिलती है, किसी की हड़प्पन से जाके मिलती है। दश द रीजन इन कंपासिंग मॉडर्न डे पाकिस्तान इज होम टू ओल्डेस्ट एशियन सिविलाइजेशन एंड यू नो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर मेसोपोटेमिया एंड इजिप्ट। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा कल्चर है ये मेसोपोटेमिया और इजिप्ट के बाद दुनिया की पुरानी तहजीबों में से एक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये कहाँ से शुरू होती है, ये 2500 से 15000 कबल मसीह की इतनी पुरानी ये तहजीब है जिसका हम लोग हिस्सा हैं। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ लव एंड हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान मोहब्बत और मेहमान नवाजी की ज़मीन है। अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल इंडावमेंट, ठीक है, एक रूहानी अता की ज़मीन भी है, यहाँ पे रूहानियत का भी बड़ा बोलबाला है। इट इज़ ऑल्सो द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मैनी स्पिरिचुअल सेंट्स फ्राम ऑल रिलीजन्स, तमाम मजाहब के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनकी आरामगाहें भी इस मुल्क के अंदर हैं। बी इट द सूफी मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, चाहे वो इस्लाम के सूफी रहनुमा हों, इस्लाम के सूफी दरवेश हों, बुजुर्ग हों, द हिंदू टीरथ्स या हिंदुओं के बड़े बड़े जो है ना वो उनके रहनुमा हों, डेटिंग बैक टू 3000 बिफोर क्राइस्ट, के हज़रत ईसा से भी 3000 साल पुराने पुराने हिंदू जो भक्षु थे, जो उनके पंडित थे, उनकी यहाँ पे कब्रें हैं। कब्रें तो नहीं कह सकते, मतलब उनके टेम्पल्स हैं। द डिसिपल्स ऑफ बुधा अटेनिंग निर्वाणा बरीड अंडर द रिमेन्स ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है, इसी तरीके से बुद्ध मत बुधा के मानने वाले जो उनके शागिर्द हैं वो गंधारा सिविलाइजेशन के नाम पर यहाँ पे, उनकी कितने कितने लोग होंगे जो यहाँ पे दफन होंगे। बाबा गुरु नानक, ठीक है, द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, उनका उनकी जन्मभूमि, उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई। तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो होल हार्टेडली वर्कड टू प्रिजर्व इट्स हिस्टोरिकल साइट्स, वेदर इट इज़ अ चर्च, गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, म्यूजियम, टॉम्ब, फोर्ट और श्राइन। तो पाकिस्तान ने जो मजहबी मुकदस मकामात हैं उनको, उनके बचाने में भी बहुत दिल से, बहुत जोश व खरोश से पाकिस्तान ने काम किया है, चाहे वो चर्च हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मस्जिदें हों, अजायब घर हों, ठीक है, मज़ारें हों, किले हों, या दरगाहें हों, तो पाकिस्तान ने महफूज रखा हुआ है। बॉर्न इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, कि हिमालय के पहाड़ों में जन्म लेने वाली बुद्धिस्ट, बुद्धिज़्म जो है, जो एक रिलीजन है, बुद्धिज़्म फाउंड एविड फॉलोअर्स, एविड फॉलोअर्स अकीदतमंद पैरोकार सपोर्टर्स एंड पैट्रोन्स इन गंधारा द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, गंधारा जिसको खुशबुओं की ज़मीन भी कहा जाता था। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत फैला फूला। पाकिस्तान बिकेम द कस्टोडियन ऑफ रिच कलेक्शन ऑफ सेक्रेट रेलिक्स, रेलिक्स सहीफों को कहा जाता है, एंड सुपर्ब स्पेसिमन, स्पेसिमन निशानियाँ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्राम बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। तो जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी पुरानी, उसके जो जो मुकदस सहीफे थे और उनकी जो निशानियाँ थी आर्ट की और आर्किटेक्चर की, पाकिस्तान उनका निगरान बना, उनका निगेबान बना, कस्टोडियन, हिफाजत करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द बुद्धिस्ट रूइंस, जो कदीम, जो आप कहने के आसार कदीमा हैं बुद्धिज़्म के,
द बुद्धिस्ट रुइंस ऑफ टेक्सला आर प्राइसलेस ट्रेजर्स, प्राइसलेस ट्रेजर्स के ऐसा खजाना जिसकी कोई कीमत ही ना लगा सके, ऑफ इमेंस इंटरेस्ट टू बुद्धिस्ट एंड रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो टेक्सला के अंदर ऐसे ऐसे शाहकार मौजूद हैं जिनकी तरफ पूरी दुनिया की अट्रैक्शन होती है, और ख़ास तौर पर जो बुद्धिस्ट रिलीजन के मानने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, टेक्सला बिकेम अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक्सला जो था वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना कब? व्हेन द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड देयर इन द 10th सेंचुरी BC। जब 10वीं सदी कबल मसीह में यहाँ पे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो थी उसकी बुनियाद रखी गई। सिंस पंजाब वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिख गुरुज एंड लेटर द पोलिटिकल पावर बेस ऑफ द सिक्स, देर आर न्यूमरस साइट्स इन पाकिस्तान दैट आर सीक्रेट टू सिख कम्युनिटी। चूँकि सिख जो था ये जो जो पंजाब है ये सिखों का गढ़ भी था, और बाद में सिखों की जो जितनी भी सियासी जो पावर थी उसका गढ़ भी पंजाब था। तो यहाँ पे सिखों के लिए बहुत सारे मुकदस मकामात ऐसे हैं सिखों के जो पाकिस्तान के अंदर हैं। हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मकामात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। अमॉन्ग द सेक्रेट श्राइन्स इन इज़, और जो सिखों की जो मुकदस दरगाहें हैं उनमें क्या है? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नियर लाहौर, उनमें से एक जो है वो गुरुद्वारा दरबार साहिब है करतारपुर। आपको याद होगा कि रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर के नाम से एक जो है वो रोड भी बनाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट दिस प्लेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग जो हैं वो हर साल इन जगहों का विजिट करते हैं। पाकिस्तान ओपन द करतार कॉरिडोर टू प्रोवाइड इंडियन सिख पिलग्रिम्स अ वीज़ा फ्री एक्सेस। पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के जो सिख यात्री हैं, जो सिख जायरीन हैं, उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर के नाम से एक सिलसिला भी शुरू किया था। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर वाज रेनोवेटेड, रेनोवेट का मतलब होता है उसको दोबारा से उसकी मतलब उसको नए सिरे से तामीर करना, या उसके अंदर जो छोटा मोटा काम होता है वो काम करना। करतारपुर कॉरिडोर वाज रेनोवेटेड एंड एक्सपेंडेड एज अ सिंबल ऑफ गुडविल फॉर द पीपल ऑफ गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द सिख कम्युनिटी एंड टू पेव वे फॉर इंटरफेथ हारमोनी। बैनुल मज़ाहिब जो हमांगी है उसको जो है वो उसका रास्ता हमवार करने के लिए और एक गुडविल जेस्चर देने के लिए पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर जो था इसको दोबारा मुकम्मल नए सिरे से रेनोवेट भी करवाया था और इसको एक्सपेंड भी किया। अच्छा, गुरुद्वाराज एंड सिख श्राइन्स इन पाकिस्तान हैव बिन डिक्लेयर्ड सीक्रेट प्लेसेज एंड आर मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, मेटिकुलसली बहुत नफासत से, बहुत एहतियात से। तो सिखों के जितने भी मुकदस मकाम आते हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से उनको मुकदस मकाम का दर्जा दिया गया है, और उनकी बहुत ही एहतियात से, बहुत ख्याल से उनकी मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करवाती है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड सूफीज हु प्रीच्ड एमिटी पीस एंड यूनिवर्सल लव। पाकिस्तान जो है ये उन सूफिया और उन दरवेशों का, उन बुज़ुर्गों का भी गढ़ है जिन्होंने हमेशा दोस्ती, अमन और मोहब्बत की बात की। दीज देयर टीचिंग्स प्रोमोटेड रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, बाहमी वजूद के मिलजुल कर रहना। तो इनकी जो बुज़ुर्गों की जो तालीमात थी वो क्या करती हैं? वो को एग्जिस्टेंस को प्रोमोट करती हैं, कम्यूनल हारमनी मुश्तरका अमन को फ़रोग करती हैं, एंड टॉलरेंस और सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस को यानी बुर्दबारी को सपोर्ट करती हैं। पर हैप्स दैट इज़ वाई, शायद यही वजह है, देर हैज़ ऑलवेज बीन कम्यूनल हारमनी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में हमेशा क्या होती है, हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको हारमनी यानी कि बहुत आपको अमन और मिलजुल कर रहने वाले लोग आपको नजर आते हैं। द श्राइन्स ऑफ दाता गंजबख्श हजवेरी, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, हजरत लाल शबाज कलंदर, सचल सरमस्त एंड हजरत बहाउद्दीन जक्रिया आर वर्थ अ विजिट फॉर स्पिरिचुअल सोलेस एंड इटरनल सेटिस्फेक्शन। अगर आपको रूहानी तस्कीन और अब्दी सुकून चाहिए तो आप दाता गंजबख्श, अली हजवेरी, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, लाल शहबाज कलंदर, हजरत सचल सरमस्त और हजरत बहाउद्दीन जक्रिया और इन जैसे कई बुज़ुर्गों की मज़ारें हैं जिनके ऊपर लोग रूहानी तस्कीन के लिए और अब्दी सुकून के लिए विज़िट करते हैं। तो चलें, हमारी रीडिंग जो थी ये मुकम्मल हुई। अब हम पहले इसकी करेंगे ग्रामर और इसके बाद इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, नंबर वन इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड बाय द सॉलेमिटी ऑफ द ओकेजन। सॉलम है तो सॉलम से हम क्या बनाएंगे? सॉलेमनिटी। अच्छा, वी शुड नेवर टॉलरेट इनजस्टिस, समथिंग इन हर स्पीच मूव्ड हिम सफिशेंटली। अच्छा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ही वॉज अ रेबेलियस लीडर, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड द इनाग्रेशन एड्रेस, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट। From him we can learn many lessons in patriotism. We must be proud of our glorious past.
मैनी एथलीट्स आर पनिश्ड फॉर यूजिंग स्टिमुलेशंस, ठीक है, स्टिमुलेट से स्टिमुलेशन। उसके बाद एक्टिविटी बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ट्रांजिशनल डिवाइसेज गिवन इन द बॉक्स। तो ये बॉक्स है, इसमें ये ट्रांजिशनल डिवाइसेज दी गई हैं, इनके जरिए आपने इसको फिल करना है। अच्छा, सुलेमान्स वर्क इज वंडरफुल, अकॉर्डिंगली ही गॉट अ रेज, नजमा वॉज अ टेरिबल एम्प्लॉई, नेवरदलेस शी गॉट प्रोमोटेड, वी होप टू रिसीव द ऑर्डर ऑन टाइम अदरवाइज वी विल कैंसिल, हारून हैड सीनियोरिटी हाउ एवर ही वॉज लेड ऑफ, फर्दर टू योर रिक्वेस्ट ऑफ लास्ट वीक वी आर सेंडिंग यू अ कैटलॉग, शी वॉज अट्रैक्टिव ऑल्दो शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल, सिंस लास्ट वीक शी हैज नॉट बीन द सेम, अनटिल द बॉस अराइव्स आई एम द वन हु मेक्स रूल्स, एज सून एज ही कैन द डायरेक्टर विल रिसीव यू, प्लीज़ बी ऑन टाइम, मोर ओवर ट्राई टू बी अर्ली, एक्चुअली वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज कॉन्टेंट ही विल हैव टू सबमिट हिज स्केचेज बाय फ्राइडे, वेन एवर एन इनवॉइस इज पेड बाय चेक मेक श्योर इट इज डिपॉजिटेड एज सून एज पॉसिबल, आर कंपनी एक्सपेंडेड देयर फोर वी हायर्ड न्यू पर्सनल। अच्छा, मीन वाइल यू कैन टाइप अ न्यू लेटर, ठीक है। उसके बाद हैं एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेज। अब एनाफोरिक रेफरेंस वो होता है कि जो बैकवर्ड रेफरेंस होता है। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा, बाकी आप चैप्टर से खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे आई मेट अलीना इन द वेलकम पार्टी, अब ये अलीना पहले मेंशन कर दिया, शी लुक्ड रियली ऑफुल। तो अब ये शी क्या है, ये रेफर कर रहा है बैक, मतलब जो पहले नाम जिक्र किया गया है उसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, कैटाफोरिक रेफरेंस होता है आगे की तरफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना कि व्हेन ही अराइव्ड, ठीक है, अफाक नोटिस दैट द विंडो पेन वॉज ब्रोकन, ठीक है। अब ये पहले ही मैंशन है और उसके बाद क्या है, अफाक मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरह के जो रेफरेंसेज होते हैं, जो डाउनवर्ड रेफरेंसेज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कैटाफोरिक रेफरेंस कहा जाता है। यानी कि एनाफोरिक रेफरेंस जो होता है, इसमें ये इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरिंग बैक, ठीक है, कि आप ये है इसको कैरी बैक करते हैं। और जो कैटाफोरिक रेफरेंस होता है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें प्रोनाउन पहले मेंशन किया जाता है और उसके बाद जो नेम होता है उसको मेंशन किया जाता है। अब एक्टिविटी आपके पास क्या है, एक्टिविटी आपके पास बच्चों ये है कि आपने यहाँ पे ये एक्सरसाइज है आपके पास, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड टेल वेदर द वर्ड और एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स इज एन एनाफोर और अ कैटाफोर, ऑल्सो मैंशन इट्स एंटीडिसेंट और पोस्टिसेडेंट। अच्छा, हुरैन एंड हर पेरेंट्स विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, दे हैड सच अ ग्रेट टाइम टुगेदर। अब दे देखें, हुरैन एंड हर पेरेंट्स पहले मेंशन हुआ, दे बाद में आया, तो अब दे बैक पे जा रहा है, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। हमाद बॉट अ न्यू मोटर बाइक यस्टरडे, ही लव्स हिज, अब देखें ही हमाद पहले है, ही बैक हमाद की तरफ जा रहा है, तो एनाफोरिक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको तीन चार समझाता हूँ, बाकियों के सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। वन डे वाइल ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, अ बिग पीच फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, द ओल्ड वॉशरमैन टुक द पीच होम। अब ही पहले आ गया और वॉशरमैन बाद में आया, तो ये कैटाफोरिक है, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। चौथा जो है ये एनाफोरिक है, पांचवा कैटाफोरिक है, छठा एनाफोरिक है, सातवां जो है ये एनाफोरिक है, आठवां एनाफोरिक है, नौवां जो है ये भी एनाफोरिक है, दसवां एनाफोरिक है, ग्यारहवां भी एनाफोरिक है, बारहवां एनाफोरिक है, ठीक है। उसके बाद तेरहवां जो है ये एनाफोरिक है, चौदहवां कैटाफोरिक है, पंद्रहवां कैटाफोरिक है, सोलहवां एनाफोरिक है, और सत्रहवां जो है ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। उसके बाद एक्टिविटी डी है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब इनवर्जन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल आपको दी गई है, जैसे इफ यू वर टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू आस्क, इफ यू वर टू आस्क टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू आस्क, तो इसको आपने दोबारा से रीराइट लिखा, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन के उनका सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट था उसको उल्ट पुल्ट कर दिया। वर यू टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू आस्क, ठीक है, इफ यू वर टू इंटरव्यू का आपने क्या कर दिया, वर यू टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर, बात वही है लेकिन क्या किया आपने, सब्जेक्ट वर्ब की जो अग्रीमेंट थी उसको आपने इन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब पहला सेंटेंस है, इफ यू सी जॉन प्लीज गिव हिम माय बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू जॉन इफ यू सी हिम, ठीक है। इफ यू वर टू अर्न अ ह्यूज सैलरी व्हाट वुड यू डू विद द मनी, वर यू टू अर्न अ ह्यूज सैलरी व्हाट वुड यू डू विद मनी, ठीक है। अच्छा, इफ ही हैडंट स्क्वेंडर्ड ऑल हिज सेविंग्स
ही वुडंट बी पुअर नाउ, हैडंट ही स्क्वेंडर्ड ऑल हिज सेविंग्स ही वुडंट बी पुअर नाउ। अच्छा, इफ शी वर टू गेट विंड ऑफ द सिचुएशन शी वुड डेफिनेटली बी डेविस्टेटेड। शी वर शी टू गेट विंड ऑफ द सिचुएशन शी वुड डेफिनेटली बी डेविस्टेटेड। अच्छा, इफ यू नीड असिस्टेंस प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड माई असिस्टेंस। सिंपल, ठीक है। अच्छा, if he is accepted for the job he will go out and celebrate, he will go out and celebrate if he is accepted, theek hai। acha, if I hadn't chosen to learn English I wouldn't be doing this exercise right, hadn't I chosen to learn English I wouldn't be doing this exercise right। acha, right now, if I hadn't been so strange I would have remembered it, hadn't I been so strange I would have remembered it, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये बाकी के दो रिमेनिंग सेंटेंसेस भी आपने बनाने हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये बहुत लंबा चैप्टर था और ये तीन चार दफ़े ऐसे हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ और फिर वो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उसको रिकॉर्ड करने की, तो मैं अभी बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि चले ये चैप्टर जो है वो ये बिलाखिर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर वन इज दैट व्हाट इज द वर्ल्ड्स व्यू ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ क्लेडियोस्कोप ऑफ डाइवर्स नेचुरल ब्यूटी इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लेस्ड पाकिस्तान अमंग द टॉप 25% ऑफ ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। लॉनली प्लेनेट कॉल्ड पाकिस्तान टूरिज्म्स नेक्स्ट बिग थिंग एंड फोर्ब्स रैंक पाकिस्तान एज वन ऑफ द 10 कूलेस्ट प्लेसेस टू गो इन 2019। द ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज द वर्ल्ड्स third best potential adventure destination for 2020. By this we can understand the tourism potential of Pakistan as per the world's view about Pakistan as a tourist destination. Question number 2 is that what are the natural attractions of for tourism in Pakistan? From stretches of great mountains ranges in north to the vast alluvial delta of Indus River in the south, Pakistan remains a land blessed with nature's beauty and majestic mountains with shining deserts and some of the world's highest peaks including K2, Pakistan has extraordinary attraction for sightseers, skiers, trekkers and mountaineers. Pakistan is full of natural beauty and indeed a place to be. What is the historical importance of Karakoram Highway? The 806-kilometer Karakoram Highway constructed along the ancient Silk Road linking Pakistan to China is the highest trade route in the world. Additionally, the nearby Mintaka Pass lies along the fabulous Silk Road that linked Europe to Asia and over which history's most famous tourists once traveled. These include the Venetian trader Marco Polo in the 13th century, the Chinese monk Fei Hen in the 4th century, and the Arab historian Al-Biruni in the 11th century. Sorry. Question number 4 is that which religious sites attract the tourists to Pakistan and what is their significance? Pakistan is a land of love and hospitality, a land of spiritual endowment. It is also a resting place of many spiritual saints from all religions including Hindu Tirats dating back to 3000 BC, the famous stupa of Buddhist Dharmarajika and the birthplace of Guru Nanak, Katasraj Temple and many other religious saints and spiritual leaders. This signifies that this region has been a hub for cultural and religious diversity and harmony. Acha, how is Balochistan important for tourism? The Balochistan province is blessed with nature's bounty of mineral resources. It also has immense beauty comprising mountain ranges, mines and a very large long coastal belt including the newly developed Gwadar port. In Balochistan there are many caves for tourists to visit including Juniper Shaft Cave, Shahrai Rogan, the Murgagul Ghada Cave और मुगल शाह केव एंड पाकिस्तान नेचुरली डेकोरेटेड केव द मंगोचर केव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट हाउ कैन वी इंप्रूव द ग्लोबल इमेज ऑफ पाकिस्तान टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर रोड्स एंड ईजियर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दे नीड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्रॉपरली वाइल क्रिएटिंग न्यूअर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट सिटीज should also be recognized. Most importantly, the safety of tourists visiting popular as well as lesser known destinations should be guaranteed. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा आंसर है। हाईलाइट पाकिस्तान एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बुद्धिस्ट एंड सिख टूरिस्ट। अच्छा, बॉर्न इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बुद्धिज्म फाउंड एविड फॉलोअर्स सपोर्टर्स एंड पैट्रोन्स इन गंदारा द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस। पाकिस्तान बिकेम द कस्टोडियन ऑफ रिच कलेक्शन ऑफ सेक्रेड रेलिक्स एंड superb specimen of art and architecture from Buddhist civilization. For example, the Buddhist ruins of Taxila are priceless treasure of immense interest to Buddhism and researchers around the world. Sikhism was founded by Guru Nanak, who was born in Nankana Sahib, Pakistan. Since Punjab was the center of activities for Sikh gurus,
एंड लेटर द पोलिटिकल पावर बेस ऑफ द सिक्स, देर आर न्यूमरस साइट्स इन पाकिस्तान दैट आर सीक्रेट टू द सिख कम्युनिटी. थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट दीज प्लेसेज फ्राम ऑल ओवर द ग्लोब. गुरुद्वारा पंजा साहेब, हसन अब्दाल गुरुद्वारा, चुआ साहेब, रोहतास गुरुद्वारा, भाई जोगा सिंह, पिशावर गुरुद्वारा, सद्दू बेला सखर एंड गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी गुरुद्वाराज दैट आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ सिक्स फ्राम यू नो फ्राम एवरीवेयर, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर. तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये भी हमने कर लिए. हमारे 16 चैप्टर्स अल्लाह के फजल से हो चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे, फिर 18 करेंगे और फिर 19 हमारा लास्ट चैप्टर होगा. उसके बाद फिर हम इसी गो में समरीज करेंगे और फिर इसी गो में हम इसके MCQs जो हैं वो हम करेंगे. चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं. वहाँ पे आपको ये तमाम के तमाम PDFs भी मिलेंगे और आपको बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.